गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो लेसन नंबर 4, पाठ नंबर 4, नाना के घर मज़े मज़े। इसका हम अब क्या सीख रहे हैं? व्याकरण सीख रहे हैं। देखो उलट अर्थ वाले शब्द आप चेक करो, आपके हुए हैं हाँ। उसके बाद वर्ण विच्छेद करो, है ना, ये भी मैंने आपको दिए थे। और 5 शब्द आपको होमवर्क के लिए दिए थे, उसके आंसर की आपको मिली होगी, है ना। तो वो क्रॉस चेकिंग करके आप देखना है आपकी गलती कहाँ हो गई है। अभी हम क्या सीखेंगे? क्रिया। क्या सीखेंगे? क्रिया। देखो क्रिया की वर्कशीट अलग भी होगी, वो बाद में हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम देखो क्रिया का क्रिया सीखेंगे। देखो क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, है ना। अभी देखो हम लिखते हैं, है ना, लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लिखना। क्या कहते हैं, है ना, आपके आपके घर में अभी छोटे बच्चे हो गए तो मेरा भाई लिख रहा है, मम्मी घर में खाना पका रही है ना, पापा पापा देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या, देखो क्या क्रिया, उसका अर्थ है इंग्लिश में क्या होता है? डूइंग वर्ब्स, है ना। आप सेकंड में भी सीखे हैं, थर्ड में भी सीखे हैं, अभी फोर्थ में हमें क्या सीखना है? क्रिया। हाँ, अभी थर्ड में भी हमने क्रिया सीखी है ना, फिर से हम वो दोहराएंगे। देखो क्रिया की परिभाषा क्या 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 है? कि जिन शब्दों से किसी काम होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया शब्द कौन से है? खाना, पीना, रोना, हंसना, बैठना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना और सोना। और भी क्रिया शब्द होंगे, है ना, इतने ही क्रिया शब्द है क्या? नहीं, बहुत से। अभी मैं पेड़ लगा रही हूँ तो पेड़ लगा रहे हैं, है ना, तो क्रिया है ना। ऐसे बहुत से शब्द क्रिया हो सकते हैं, लेकिन हमें सीखना है। देखो बच्चों ने गाय का ताज़ा दूध पिया, बच्चों ने गाय का ताज़ा दूध पिया, तो उसके सामने उसके कौन से शब्द के नीचे देखो रेखांकित करेंगे हम? बच्चों ने गाय का ताज़ा दूध पिया, तो क्रिया कौन सी है इसमें? इसमें कौन सी क्रिया है? बच्चों ने गाय का ताज़ा दूध पिया। पिया ये क्या हो गई? क्रिया। मैं क्या देख रहे हैं ना, क्रिया। हमारे हाथ उसको क्या करने हैं? रेखांकित करना है, पिया। काव्या आम के बाग में गई। देखो दूसरा, काव्या आम के बाग में गई। तो गई ये क्या है? काव्या आम के बाग में गई, तो गई ये क्या है? क्रिया है, उसके नीचे रेखांकित करना है। उसके बाद नाना जी ने दूध से खीर बनाई थी। नानी जी ने क्या किया था? नानी जी ने दूध से खीर बनाई थी। नानी जी ने दूध से खीर बनाई थी। क्या करना है हमें? रेखांकित करना है। नानी जी ने दूध से खीर बनाई थी। बच्चे मज़े मज़े में खाने लगे। बच्चे मज़े मज़े में खाने लगे। तो खाना ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। बच्चे मज़े मज़े में खाने लगे। उसके बाद बगीचे में मोर ने सुंदर पंख फैलाए। बगीचे में मोर ने सुंदर पंख फैलाए। तो फैलाए इसके नीचे क्या होगा?
रेखांकित करना है ना। देखो पहला सेंटेंस क्या है, बच्चों ने गाय का ताज़ा दूध पिया, तो पिया के नीचे रेखा, पिया ये क्या है, क्रिया है। काव्या आम के बाग में गई, है ना, गई है ना, ये क्या है, क्रिया है, उसके नीचे रेखांकित करना है। नाना जी ने दूध से खीर बनाई थी, नानी जी ने दूध से खीर बनाई थी, बनाई ये क्या है, क्रिया है, उसके नीचे रेखांकित करना है। बच्चे मज़े मज़े में खाने लगे, खाना ये क्या है, क्रिया है। बगीचे में मोर ने सुंदर पंख फैलाए, फैलाए क्या है, क्रिया है, तो क्रिया के नीचे रेखांकित करना है। उसके नीचे देखो ये सब नोटबुक में लिखना है आपको, ये भी नोटबुक में आप लिख कर लो। हाँ देखो ऊपर लिखना है, नेक्स्ट पेज पर लिखना है, वर्ण विच्छेद एक पेज पर होगा, दूसरे पेज पर हमें क्रिया लिखनी है, इस लेसन का व्याकरण है ये, क्रिया, और ये परिभाषा लिखनी है क्रिया की, और ये सेंटेंस लिखना।